ओके स्टूडेंट्स हम लोग का एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अबाउट सेम्पलिंग थ्योरम तो ये टॉप सिलिंग का न्यूमेरिकल है सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4.10 पॉइंट वन ज़ीरो फ्रॉम टॉप सिलिंग सो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है द बैंड पास सिग्नल वी ऑफ़ टी इज इक्वल टू कॉस्ट टेन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस्ट इलेवन नॉट टी प्लस कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इज सैम्पल्ड बाय एन इम्पल्स ट्रेन S of t is equal to i summation k is equal to minus infinity plus infinity del t minus k of t s. okay. Find the maximum time between sample that is T S. B using the result obtained in A, obtain expression for V s of T is equal to S T into V T and C the sample signal V s t means this signal is filtered by a rectangular low pass filter with a bandwidth 2f naught. ऑफ टेन एक्सप्रेशन फॉर द फिल्टर आउटपुट पार्ट डी दैंपल सिग्नल वी एस ऑफ टी इज फिल्टर बाय रेक्टेंगुलर बैंड पास सिग्नल फिल्टर विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम टू एफ नॉट टू फोर एफ नॉट ऑफ टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फिल्टर आउटपुट सो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं सो so, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको एक बैंड पास सिग्नल दिया हुआ है ठीक है याद रखना यहाँ पे बैंड पास सिग्नल तो सैम्पलिंग थोरम किसका यूज करेंगे हम लोग बैंड पास सिग्नल का सैम्पलिंग थोरम ओके तो बैंड पास सिग्नल दिया हुआ है और वो सिग्नल दिया हुआ ही है कॉस्ट टेन ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी ओके प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी नाउ इसमें आप देखिए कॉस टेन ओमेगा नॉट टी इलेवन ओमेगा नॉट टी ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ओके ये हमको क्वेश्चन में सिग्नल दिया हुआ है दिस सिग्नल इज सैंपल्ड बाय एन इंपल्स ट्रेन, एस ऑफ टी इज इक्वल टू आई डेल टी के माइनस डेल टी माइनस के टी एस इस सिग्नल से ये जो है वो सैम्पल्ड होता है तो ये सैम्पलिंग फंक्शन है जिससे हम लोग इस सिग्नल को सैंपल करते हैं सो so, सबसे पहले इसके लिए मेरे को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो फाइंड करते हैं सो so, इसमें वी एफ टी को लिखता हूँ मैं यहाँ पे देखिए वी एफ टी इज इक्वल टू क्या है cos टेन ओमेगा नोट टी कॉस इलेवन ओ मेगा नोट टी प्लस कॉश ट्वेल्व ओ मेगा नोट टी सो इसके लिए देखिए द फर्स्ट वन का फ्रीक्वेंसी है ये जो सिग्नल है वो तीन सिग्नल से मिलके बना हुआ है वन टू और थ्री तो पहले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी एफ वन टेन एफ नॉट दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी एफ़ टू इलेवन एफ नॉट और तीसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी एफ थ्री इट ट्वेल्व एफ नॉट ओके सो दिस इज़ बैंडपा सिग्नल तो इसका बैंडविट्स होता है बी इज इक्वल टू हाइस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एफ थ्री माइनस एफ वन इट इज़ टू एफ नॉट और बैंडपा सिग्नल का सैम्पलिंग थियोरम होता है एफ एस इज इक्वल टू टू एफ एच एफ एच इज हाइस्ट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई के इट मीन्स टू ट्वेल्व एफ नॉट बाई के एंड के की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं के इज़ इक्वल टू होता है के इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एच बाई बी वेर एफ एच इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दैट इज ट्वेल्व एफ़ नॉट एंड बी इज़ द बैंड विथ एफ एच है टू ट्वेल्व एफ नॉट बाई बी है टू एफ नॉट ये आ जाता है सिक्स ठीक है तो k जो रहेगा वो हमेशा इंटीजर रहेगा मान लीजिए इसकी वैल्यू सिक्स पॉइंट वन आती तो k रहता सिक्स इसकी वैल्यू अगर फाइव पॉइंट नाइन रहती तो k रहता फाइव ठीक है तो k हमेशा इंटीजर में रहेगा अपने पहले वाले इंटीजर में मतलब ऐसा नहीं करना कि अगर k की वैल्यू फाइव पॉइंट नाइन आई तो उसको सिक्स ले लेंगे नहीं के की वैल्यू अगर सिक्स फाइव और सिक्स के बीच में है तो हम लोग फाइव लेंगे के की वैल्यू अगर सिक्स और सेवन के बीच में है तो हम लोग उसको सिक्स लेंगे ठीक है सो के so, की वैल्यू अभी तो इंटीजर ही आई है सिक्स ही आई है तो के की वैल्यू हम रखेंगे सिक्स तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो एफ एस की वैल्यू आ जाती है टू इंटू ट्वेल्व एफ नॉट बाई सिक्स दैट मीन्स फोर एफ़ नोट तो हमारा एफ एस हो जाता है फोर एफ नॉट और टी एस हो जाता है वन बाई फोर एफ नॉट क्योंकि टी एस टू होता है वन बाई एफ एस टी एस आ गया वन बाई फोर एफ नॉट तो ये हो गया पार्ट ए पार्ट ए हमको क्या बोला था फाइंड द मैक्सिमम टाइम बिटवीन द सैम्पल दैट इज टी एस टी एस की वैल्यू आ गई वन बाई फोर एफ नॉट ठीक है नाउ कमिंग टू द पार्ट बी पार्ट बी क्या बोलता है यूजिंग द रिजल्ट ऑप्टेन इन अ पार्ट ए क्या रिजल्ट ऑप्टेन हुआ है टी एस की वैल्यू ठीक है वन बाई फोर एफ नॉट ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वी एस ऑफ टी इज इक्वल टू एस टी इन टू वी टी एस टी ए है वी टी ए है दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिलेगा सैंपल्ड सिग्नल मिलेगा और सैंपल सिग्नल को कैसा डिनोट कर रहा हूं मैं वीएसएफ टी तो वी एस एफ टी इज वॉट सैंपल्ड सिग्नल ठीक है इट इज सैंपल्ड सिग्नल और कैसे आता है सैंपल सिग्नल वी टी और एस टी को मल्टीप्लाई करके दिस इज इनपुट सिग्नल दिस इज सैंपलिंग सिग्नल यानी कि इम्पल सिग्नल सिंपल स्ट्रेन तो हमको क्वेश्चन में वी दिया हुआ है ये एस भी दिया हुआ है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इस वी को और इस एस को तो मेरे को सैम्पल सिग्नल मिल जाएगा ठीक है टी की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है टी की वैल्यू वन बाई फोर एफ नॉट सो वी एस ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी की वैल्यू कितनी है कॉस टेन ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई वेट एस टी की वैल्यू कितनी है आई समेसन डेल टी माइनस के टी एस ठीक है वेयर के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सो दिस इज द बी एस एफ टी ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये जो इम्पल्स ट्रेन आया है ये जो सेकंड सिग्नल है एस ऑफ़ टी ये एस एफ टी है इसका मैं लेता हूँ फोर ईयर सीरीज टेक द फोर ईयर सीरीज ऑफ़ एस ऑफ टी इम्पल्स टेन का फोर सीरीज लेते हैं ठीक है तो इसका फोर सीरीज हो जाएगा आई समेसन डेल टी माइनस के टी एस इज इक्वल टू इसका फोर सीरीज होगा वन अपॉन आई अपॉन टी एस ओकि आई सामने में लगा हुआ इसलिए आई अपॉन टी एस वन प्लस टू समन कॉफ टू पाई एन एफ एस टी ठीक है या इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि सब के के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो के के टर्म्स में लिखते हैं टू पाई के एफ एस टी ये होगा इसका इम्पल्स ये इंपल्स टन का फोर ईयर सीरीज नाउ वी नो दैट फ्रॉम पार्ट ए एफ एस की वैल्यू हमने निकाला फोर एफ नॉट और टी एस की वैल्यू निकाला है वन बाई फोर एफ नॉट तो टी एस की वैल्यू वन बाई फोर एफ नॉट और एफ एस की वैल्यू फोर एफ़ नॉट ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई इन टू फोर एफ नॉट वन प्लस टू समेशन समेशन आएगा के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कॉस टू पाई के एफ एस की वैल्यू कितनी है फोर एफ नॉट तो फोर एफ नॉट टू टी यहाँ एफ एस क्यूल रोक दिया फोर एफ नॉट ठीक है या इसको ऐसा लिख सकते हैं आई फोर एफ नॉट वन प्लस टू के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कॉस इसको लिख सकता हूँ मैं फोर ठीक है इसको देखिए ऐसा लिखते हैं फोर के टू पाई एफ नॉट टी फोर के टू पाई एफ नॉट टी इसको इस टाइप से अरेंज करके लिख सकते हैं और ये जो है टू पाई एफ़ नॉट टी को लिख सकता हूँ मैं टू पाई एफ नॉट को लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट ठीक है टू पाई एफ नॉट को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट तो फाइनली इसको लिख सकता हूँ मैं फोर एफ नॉट वन प्लस टू समन कॉस फोर के ओमेगा नोट टी डेट इज फोर ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इम्पर्स ट्रेन इसका फोर ईयर सीरीज है तो ये मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर वन है इस इक्वेशन नंबर वन में इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ निकाला हुआ है ये वैल्यू को निकाला हुआ देखो इसकी वैल्यू कितनी आई है इतनी तो ये वैल्यू को उठा के इक्वेशन वन में इसकी जगह पे रख देते हैं ये जो आया है उसकी जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं तो इक्वेशन वन में रख देते हैं ये वैल्यू पुड द वैल्यू इन इक्वेशन वन वट वी गेट इक्वेशन वन में इस ये जो टर्म है ये टर्म इसकी जगह पर इसका फोर जी आई सीरीज रख देंगे ये वाला टर्म ठीक है सो कॉस टेन ओ मेगा नॉट टी प्लस कॉस इलेवन ओ मेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओ मेगा नॉट टी मल्टीप्लाई विथ इतना आई फोर एफ नॉट वन प्लस टू समीशन कॉस फोर के ओमेगा नॉट टी वी आर के इज वन टू इन्फिनिटी डिस्टम ठीक है तो ये मेरा वी एस एफ टी आ जाएगा दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द सैम्पल सिग्नल तो पार्ट बी यहाँ तक सॉल्व हो गया दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर सैम्पल सिग्नल क्या बोला था पार्ट बी की ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सैम्पल सिग्नल वी एस एफ टी नाउ दिस सैंपल सिग्नल पार्ट सी देखते हैं सैंपल सिग्नल इज पास थ्रू अ लो पास फिल्टर विथ अ बैंडविथ टू एफ नॉट आप एक्सप्रेशन फॉर फिल्टर आउटपुट तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ये जो तीन टर्म है ठीक है इसको और ये वाला ब्रैकेट को टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई फोर एफ नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों से तो बाहर लिख लिया ना कॉस ऑफ टेन ओ मेगा नॉट टी मल्टीप्लाई विथ वन कॉस्ट इलेवन ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई विथ वन कॉस ट्वेल्व ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई विथ वन तो क्या हो जाएगा कॉस्ट टेन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस इलेवन ओमेगा नोट टी प्लस कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगा नोट टी ठीक है ये टर्म आ जाएगा तो ये वन जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, तो ये टर्म हो गया प्लस ये वन सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म आ गया अब ये वाला टर्म इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा इतने से तो क्या होगा प्लस इसको ऐसा लिखता हूँ टू कॉस टेन ओमेगा नोट टी कॉस इलेवन ओमेगा नोट टी प्लस कॉश ट्वेल्व ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई विथ समोर के ओमेगा नॉट टी वेयर समेसन इज वेरिंग फ्रॉम के वन टू इन्फिनी ठीक है ऐसा हटम था ये कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इंटू वन प्लस टू समीशन कॉस फोर के ओमेगा नॉट ये था तो ये वन से मल्टीप्लाई हुआ पहले ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ इनसे तो ये टर्म आया और ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ इन सब से तो ये टर्म आया ठीक है तो आई थिंक मल्टीप्लाई करना आ जाएगा आप लोग को ब्रैकेट ओपन करना है और मल्टीप्लाई करना है बस अब इसको देखो मैं क्या लिखता हूं कॉस टेन ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ये तीनों टर्म को लिख लिया प्लस दिस टू इंटू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी ये काम करते हैं इसको ऐसा करते हैं टू कॉस टेन ओमेगा नोट टी प्लस कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉश ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ठीक है ये टर्म इन टू और ये जो समेसन है इसको ओपन करते हैं मतलब इसको एक्सपैंड करते हैं तो समेसन को एक्सपैंड करूँगा तो के इज इक्वल टू वन रखूँगा के इज इक्वल टू टू रखूँगा के इज इक्वल टू थ्री रखूंगा और इस टाइप से के की और वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा तो फॉर के इज इक्वल टू वन कितना होगा कॉस फोर ओमेगा नॉट टी प्लस ये समेसन का चिन्ह इसलिए प्लस के की वैल्यू टू रहेगा तो क्या होगा ये कॉस एट ओमेगा नॉट टी के का वैल्यू थ्री रहेगा तो क्या रहेगा टर्म कॉस ट्वेल्व ओ मेगा नोट टी इसी टाइप से कॉस सिक्सटीन ओ मेगा नोट टी और इस टाइप से आगे और इन्फाइट नंबर तक जाते जाएगा तो देखिए अब हम लोग को ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है मीन्स ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं वन बाई वन तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट फोर ओ मेगा नोट टी को मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट के साथ फोर किया जाएगा आई फोर एफ नॉट इंटू ये पूरा टर्म कॉस टेन ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ठीक है प्लस टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी मल्टीप्लाई विथ दिस कास्ट फोर ओ मेगा नॉट टी प्लस टू ये पूरा टर्म फिर से कॉस्ट टेन ओ मेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओ मेगा नॉट टी प्लस कॉश ट्वेल्व ओ मेगा नॉट टी मल्टीप्लाई विथ सेकंड टर्म दिस टर्म कॉस एट ओ मेगा नॉट टी प्लस टू कॉस टेन ओ मेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओ मेगा नॉट टी प्लस कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई विथ दिस थर्स टर्म कॉस ट्वेल्व ओमेगा नोट टी इसी टाइप से आगे और मल्टीप्लाई होते जाएगा बट हम लोग उसको ना नहीं लिख रहे हैं अभी तीन टर्म तक लिख रहे हैं क्योंकि okay, बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे ठीक है अब आप देखिए इस कॉस्ट फोर ओमेगा नोट टी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा जब जब इस कॉस्ट फोर ओमेगाट टो को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या क्या टर्म आएगा तो कॉस टेन ओमेगा नॉट टी कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ये तीनों टाइम स्टार्टिंग के तो आ जाएंगे प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या होगा टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी इन टू कॉस फोर ओमेगा नॉट टी प्लस टू कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इन टू कॉस फोर ओ नॉट टी प्लस टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी सॉरी ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस फोर ओमेगा नॉट टी ये टर्म आएगा उसी टाइप से ये सेकंड वाला ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं और तो कॉस ओमे एट ओमेगा नॉट टी अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या टर्म आएगा प्लस टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एट ओमेगा नोट टी प्लस टू कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एट ओमेगा नॉट टी प्लस टू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एट ओमेगा नॉट टी उसी टाइप से ये थर्ड वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएंगे टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी टेन ओमेगा नॉट टी इंटू क्लास ट्वेल नॉट टी से मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी प्लस टू कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी प्लस टू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी ठीक है इसी टाइप से आगे और भी टर्म आते जाएंगे बस हम लिखेंगे तो इतने सारे टर्म्स आएंगे नौ फार्मूला लगाओ टू कॉस ए कॉस बी का ठीक है तो देखो यहाँ पे देखो टू कॉस से कॉस बी तो कॉस ए की वैल्यू है ये और बी की वैल्यू है ये तो टू कॉस से कॉस बी फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख रहा हूँ टू कॉस टेन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस फोर ओमेगा नॉट टी ठीक है टू कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला लगता है तो क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू प्लस कॉस ए माइनस बी है नू तो कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी यहां पे ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है ठीक है तो इसका क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट क्या जाएगा? Cos 10 4 आ जाएगा कॉस टेन प्लस फोर आएगा एक बार मतलब फोर्टीन ओमेगा नॉट टी प्लस एक बार टाइन माइनस फोर आएगा कॉस सिक्स ओमेगा नॉट टी तो इससे दो टर्म बनेंगे कॉस फोर्टीन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस सिक्सटीन ओमेगा नॉट टी उसी टाइप से इससे देखो कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस फोर ओमेगा नॉट टी इससे दो टर्म बनेंगे एक बनेगा कॉस फिफ्टीन ओमेगा नोट टी प्लस कॉस सेवन ओमेगा नोट टी तो देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली जो कॉसे कॉस्ट वाला टर्म है ये वाला टर्म इनसे दो कॉस के टर्म बन रहे हैं एक इनका सम वाला टर्म और एक इनका माइनस वाला टर्म मतलब दस प्लस चार चौदह ओ नॉट टी वाला टर्म और एक दस माइनस चार छः ओ मेगानॉट टी वाला टर्म उसी टाइप से ये दोनों जब कॉस और कॉस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे भी दो टर्म बन रहे हैं एक तो ग्यारह चार पंद्रह और ग्यारह माइनस चार सात वैसे ही जब ये बारह और चार वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या टर्म बनेंगे एक तो बारह माइनस चार आठ ओ मेगानोट टी वाला टर्म आएगा एक और एक सोलह ओमेगा नॉट टी उसी टाइप से ये देखो नीचे कॉस टेन ओमेगानॉट टी इंटू कॉस एट ओमेगा नॉट टी जब ये इनसे भी दो टर्म बनेगा एक टर्म बनेगा अट्ठारह ओमेगा नॉट टी वाला और एक टर्म बनेगा टू ओमेगानॉट टी वाला वैसे इससे देखो इससे भी दो टर्म बनेगा एक बनेगा उन्नीस ओ मेगा नॉट टी और एक बनेगा आपका थ्री ओ मेगा नॉट टी और इससे देखो एक बनेगा आपका चार ओ मेगा नॉट टी और एक बनेगा बीस ओ मेगा नॉट टी उसी टाइप से ये टर्म देखो इससे बनेगा दस और बारह बाईस ओमेगा नॉट टी और एक बनेगा दो ओमेगा नॉट टी ठीक है तो इससे टू ओमेगाट टी और बाईस ओमेगा नॉट टी इससे बनेगा ओमेगा नॉट टी वन ओमेगा नॉट टी और एक बनेगा आपका बारह प्लस ग्यारह करोगे तो लगभग तेईस ओमेगा नॉट टी ठीक है एंड इसको इसको करोगे तो बारह माइनस बारह जीरो ठीक है बारह प्लस बारह चौबीस सो एक बनेगा कॉस फोर ट्वेंटी फोर ओमेगा नॉट टी और एक बनेगा कॉस ऑफ ज़ीरो ना इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं ये मेरा वी एस ऑफ टी है फाइनल ठीक है ये मेरा वी एस ऑफ टी है इतना अब इस वी एस ऑफ टी को मेरे को पास करना है लो पास फिल्टर से ये सिग्नल को मैं पास करता हूँ एक लो पास फिल्टर से लो पास फिल्टर का बैंडविड दिया है टू एफ नॉट मतलब वो जीरो से टू एफ नॉट तक के फ्रिक्वेंसी को पास करेगा बाकी को ब्लॉक करेगा तो आप इसमें देखिए कौन कौन सा टर्म है जिसमें जीरो से टू एफ नॉट तक का फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो वो टर्म को लिखते जाइए तो वो आउटपुट होगा लो पास फिल्टर का लेट आउटपुट है वो लो पास फ़िल्टर का वाइट ही तो वो वो इसमें टर्म्स आएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी टू एफ नॉट के अंदर में है तो पहला टर्म देखते हैं ये पहला टर्म की फ्रीक्वेंसी है टेन ऑफ नॉट ठीक है तो ये तो पास नहीं करेगा क्योंकि टू एफ नॉट से ज़्यादा है दूसरे टर्म की फ्रीक्वेंसी इलेवन एफ नॉट ये भी पास नहीं होगा तीसरे टर्म की फ्रीक्वेंसी है ट्वेल्व एफ नॉट ये भी पास नहीं होगा नाउ कम टू द ये मल्टीप्लाई वाला टर्म ये मल्टीप्लाई वाला टर्म कॉस्ट टेन ओमेगा नॉट टी और फोर ओमेगा नॉट टी इससे दो टर्म बनेगा एक बनेगा कॉस्ट फोर्टीन ओमेगा नॉट टी और एक बनेगा कॉस्ट सिक्स ओमेगा नॉट टी तो दो टर्म आएंगे कास्ट फोर्टीन ओमेगा नॉट टी और कॉस्ट सिक्स ओमेगा नॉट टी तो वो दोनों के दोनों टर्म पास नहीं होंगे इससे क्योंकि तो सिक्स ओमेगा नॉट टी भी टूल्फ नॉट से ज़्यादा है और आपका फोर्टीन ओमेगा नॉट टी तो ज़्यादा है ही उसी टाइप से इस पर देखो इससे भी दो टर्म बनेंगे एक ग्यारह चार सत्रह सॉरी ग्यारह चार पंद्रह और एक ग्यारह माइनस चार सात तो सात नॉट टी का एक टर्म बनेगा इससे और एक बनेगा आपका पंद्रह ओमेगा नॉट टी का तो ये भी पास नहीं होगा उसी टाइप से ये वाला टर्म देखो बारह माइनस चार आठ नॉट टी एक टर्म आएगा और एक आएगा सोलह ओमेगा नॉट टी तो ये सिग्नल भी पास नहीं होगा नाउ कम टू कंप्यूटर दिस सिग्नल इसमें देखो इसमें दो टर्म आएगा कॉस का एक आएगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी और एक आएगा कॉस अट्ठारह ओमेगा नॉट टी थी, ठीक है इससे दो टर्म आएगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस अट्ठारह ओमेगा नॉट टी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी करोगे तो तो कॉस टू ओमेगा नॉट टी वो वाला पास होगा ठीक है दिस सिग्नल विल पास तो एक टर्म आएगा इसमें कॉस टू ओमेगा नॉट टी किसके कारण आया इसका टर्म कारण आया ठीक है, है। तो टू ओमेगा नॉट टी को पास कर रहा है मेरा लो पास फिल्टर एक टर्म आएगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी ना कम टू द नेक्स्ट इसमें कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस एट ओमेगा नॉट टी इससे भी दो टर्म बनेगा एक तो बनेगा कॉस ओमेगा नॉट टी और एक बनेगा कॉस उन्नीस ओमेगा नॉट टी तो उन्नीस वाले को ब्लॉक करेगा लेकिन कॉस ओमेगा नॉट टी पास हो जाएगा क्योंकि वो टू ओ ओमेगाट से कम है उसकी फ्रीक्वेंसी तो एक टर्म आएगा कॉस ओमेगा नॉट टी वो किसे करना है इसके कारण नाउ थर्ड टर्म ये वाला टर्म कॉस्ट ट्वेल्ल ओ मेगा नोट टी इन्टू एट ओ नॉट टी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगा फोर ओ मेगा नॉट टी का और एक टर्म आएगा बीस ओ मेगानॉटी का तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे दोनों पास नहीं होंगे ठीक है तो ये पास नहीं होगा दिस वन विल नॉट पास नाउ कम टू द दिस पॉइंट यहाँ पे देखो कॉस्ट टेन ओमेगानॉट टी है इंटू कॉस्ट ट्वेल्व ओ मेगा नॉट टी है तो इसमें से भी एक टर्म आएगा कॉस्ट टू ओमेगानॉट टी का तो इसके कारण भी एक टर्म आएगा कॉस्ट टू ओमेगा नॉट टी ठीक है यहाँ पे देखो कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ट्वेल्व ओमेगा टी टू कॉस ए कॉस्ट बी का फार्मूला लगाओ तो बारह माइनस ग्यारह कॉस ओमेगा नॉट टी तो कॉस ओमेगा नॉट टी का एक टर्म आएगा इसके पास वो जो पास होगा तो कॉस ओमेगा नॉट टी इसमें एक टर्म आएगा कॉस ओमेगा नॉट टी और एक आएगा कॉस तेईस ओमेगा नॉट टी तो कॉस ओमेगा नॉट टी वाला पास होगा फिर लास्ट वाला देखो कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इन्टू कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी तो कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी वाले में क्या आएगा कॉस जीरो तो कॉस जीरो भी पास होगा तो ये होगा लो पास फिल्टर का हमारा आउटपुट वाई एफ टी इज इक्वल टू होगा टू कॉस टू ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस टू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस वन और सामने में इस वी एस एफ टी के सामने में ये एम्पलीट्यूड लगा हुआ था उसको लिखना मैं भूल गया हूँ तो वो भी आएगा आई इंटू फोर एफ नॉट सो दिस विल बी आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर तो लो पास फिल्टर क्या करेगा पूरे टर्म्स में जिस जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी टू एफ नॉट के अंदर में है वो टर्म को पास करेगा बाकी को ब्लॉक करेगा न पार्ट डी पार्ट डी में देखते हैं कि क्या बोलता है ये बोलता है कि हम लोग इसको बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं ठीक है इस सिग्नल को वी एस ऑफ टी को बैंड पास सिग्नल से पास करते हैं सो आई एम पासिंग दिस सिग्नल वी एस ऑफ टी विथ अ बैंड पास फिल्टर तो उसका आउटपुट क्या होगा पूछ रहा है और ये बैंड पास फिल्टर किसको किसको पास करेगा ऐसे टर्म्स जिसकी फ्रीक्वेंसी टू एफ नॉट से फोर एफ नॉट के बीच में है तो जो जो की फ्रीक्वेंसी टू एफ नॉट से फोर एफ नॉट के बीच में होगी वो सारे टर्म्स इसमें से पास होंगे तो लेट से बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है वाई डैश टी अब फिर से देखो वही काम फिर से करना है अब आपको यह देखना है अभी तक हम क्या देख रहे थे जीरो से लेकर टू एफ नॉट तक का टर्म कौन कौन सा है अब देखना है टू एफ नॉट से फोर एफ नॉट तक का टर्म कौन कौन सा है तो देखो फर्स्ट वाला टर्म का फ्रीक्वेंसी टेन एफ नॉट पास नहीं होगा ठीक है टू एफ नॉट से फोर एफ नॉट तक वाला टर्म पास होगा ये टर्म भी पास नहीं होगा इलेवन एफ नॉट है ये टर्म भी पास नहीं होगा ट्वेल्व एफ नॉट है इसमें देखो इसमें एक बनेगा दस माइनस चार छः एफ नॉट और एक बनेगा दस प्लस चार फोर्टीन एफ नॉट तो ये दोनों पास नहीं होंगे इसमें देखो इसमें बनेगा ग्यारह माइनस चार सात एफ नॉट ग्यारह प्लस चार आपका पंद्रह एफ नॉट तो दो टर्म आएगा इससे एक कॉस सेवन एफ नॉट यानी सेवन नॉट और एक आएगा कॉस फिफ्टीन ओमेगा नॉट इससे तो वो दोनों पे पास नहीं होंगे अब ये थर्ड टर्म देखो इसमें कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट इन टू कॉस फोर ओमेगा नॉट तो कॉस ट्वेल्व माइनस फोर होता है एट नॉट कॉस ट्वेल्व प्लस फोर होता है सिक्सटीन ओमेगा नॉट तो ये टर्म भी पास नहीं होगा मतलब ये भी पास नहीं होगा ये भी पास नहीं होगा ये टर्म भी पास नहीं होगा बैंड पास फिल्टर से नाउ कम टू दिस पॉइंट इसमें देखो इसमें भी दो टर्म बनेगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी कॉस एटीन नॉट टी इससे तो टू नॉट टी वाला पास होगा क्योंकि लो पास जो बैंड पास फिल्टर है वो टू नॉट यानी टू एफ नॉट को जाने दे रहा है तो एक टर्म आएगा कॉस टू ओमेगा नॉट टी इसके कारण इसमें देखो इसमें क्या टर्म आएगा कॉस थ्री ओमेगानॉट टी का एक टर्म आएगा कि कॉस ग्यारह ओमेगानोट टी इंटू कॉस एट ओमेगानॉट टी है तो कॉस इलेवन ओमेगानोट टी इंटू कॉस एट ओमेगानॉट टी जब दोनों को फॉर्मूला uh, लगाएंगे कॉस कॉस बी का कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी करोगे तो आएगा कॉस थ्री ओमेगा नॉट टी तो थ्री ओमेगा नॉट टी दो से चार के बीच में आता है तो कॉस थ्री ओमेगा नॉट टी एक टर्म आएगा इस टर्म के कारण नाउ कम टू दिस पॉइंट अब देखो इसमें एक है कॉस बारह ओमेगा नॉट टी दूसरा है कॉस एट ओमेगा नॉट टी तो टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगाओ तो so, कॉस बारह माइनस आठ जब करोगे तो कॉस फोर ओमेगा नोट टी तो कॉस फोर ओमेगा नोट टी को ये पास करेगा कॉस फोर ओमेगा नोट टी इस टाइम के कारण ना इसमें आओ देखो इसमें बारह एक है कॉस टेन ओमेगा नोटी कॉस तो ट्वेल्व ओमेगा नोट टी तो ट्वेल्व माइनस टेन टू ओमेगा नोट टी वाला एक टर्म आएगा इसमें तो एक टर्म और आएगा कॉस टू ओमेगा नोट टी वाला इसमें देखो इसमें दो टर्म आएंगे एक तो कॉस ओमेगा नॉट टी वन ओमेगा नॉट टी और एक आएगा कॉस तेईस ओमेगा नॉट टी तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे क्योंकि वन ओमेगा नॉट टी टू एफ नॉट से छोटा होगा और तेईस से ओमेगा नॉट टी तो बड़ा ही है ठीक है उसी टाइप से इसमें भी दो टर्म आएंगे एक आएगा कॉस ऑफ जीरो और एक आएगा कॉस ऑफ चौबीस ओमेगा नॉट टी तो दोनों ब्लॉक हो जाएंगे तो इस टाइप से ठीक है ये सिग्नल आपका बैंड पास फिल्टर इसको पास करेगा ना इसके बाद एक टर्म और आएगा हमने अभी कहाँ तक लिया था इस के वैल्यू को वन टू थ्री तक ही बढ़ाया था तो क्या क्या आया था कॉस फोर ओ मेगा नॉट टी कॉस एट ओ नॉट टी और cos ट्वेल्व ओ नॉट टी जब के की वैल्यू फोर रहेगी तो इसमें समेशन में आ जाएगा कॉस सिक्सटी ओ नॉट टी तो एक कॉस सिक्सटीन ओ नॉट टी वाला टर्म और लिखना पड़ेगा आपको ठीक है तो cos सिक्सटी ओ नॉट टी वाला टर्म लिखोगे तो क्या होगा टू कॉस टेन ओ नॉट टी कॉस सिक्सटीन नॉट टी प्लस टू कॉस इलेवन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस सिक्सटीन ओमेगा नॉट टी प्लस टू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस सिक्सटीन ओमेगा नॉट टी क्योंकि हमने देखो यहाँ तक चार टर्म लिया था ना कॉस फोर ओमेगा नॉट टी एट ओमेगा नॉट टी ट्वेल्व ओमेगा नॉट टी सिक्सटीन ओमेगा नॉट टी कॉस फोर नॉट टी को मल्टीप्लाई किया था इन सब से टे एट ओ नॉट टी को भी मल्टीप्लाई करके दिखाया था ये देखो और कॉस्ट ट्वेल्व ओमेगानोटी को कॉट सिक्सटीन ओ मेगानोटी को मैं छोड़ दिया था है ना तो ये सब का मल्टीप्लीकेशन है ये कॉस्ट फोर ओमेगा नोट टी का मल्टीप्लाई के कराया था ये वाला जो टर्म आया है वो कॉस एट ओमेगानोट टी के मल्टीप्लाई कर आया है और ये जो टर्म आया है तीन टर्म वो कॉस आपका बारह ओमेगानोट टी के मल्टीप्लाई करने करना है वैसे ही कॉस् सिक्सटीन ओमेगा नोट टी को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट सिक्सटीन ओमेगाट टी ये कॉट सिक्सटीन ओ मेगानोट टी इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या टर्म आएगा टू कॉस टेन ओमेगाट टी इंटू कॉस सिक्सटीन टू कॉस इलेवन ओमेगाट टी इंटू कॉस टेन ओमेगाट टी टू कॉस ट्वेल्व ओमेगा नोट टी इन्टू cos सिक्सटी ओमेगा not टी इससे भी कॉस ए कॉस भी वाला क्या क्या टर्म बनेगा देखो इससे बनेगा छः ओमेगा not टी और छब्बीस ओमेगा not टी वाला टर्म इससे क्या टर्म बनेगा सोलह माइनस ग्यारह फाइव ओमेगा नोट टी और आपका सत्ताईस ओमेगा not टी इससे देखो ये वाला टर्म इसमें एक टर्म आएगा कॉस बारह ओमेगा not टी माइनस कॉस सोलह ओमेगा नोट टी दैट मीन्स कॉस फोर ओमेगा नॉट टी तो ये टर्म तो पास होगा बैंड पास फिल्टर से तो so, एक और टर्म आएगा कॉस फोर ओमेगा नॉट टी वाला किसके कारण आया वो इस टर्म के कारण आया सो कॉस फोर ओमेगा नॉट टी वाला टर्म भी आएगा जो बैंड पास फिल्टर से पास होगा तो बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा फोर आई एफ नॉट जो स्टार्टिंग में था यहाँ पे ये वो रहेगा प्लस इंटू दो बार कॉस टू ओ नॉट टी वाला टर्म टू कॉस टू मेगा नट एक बार कॉस थ्री ओ मेगा वाला टर्म और दो बार कॉस फोर ओ मेगा वाला टर्म सो कॉस टू मेगा नट वाला टर्म किसी किस करना है इसको मैं ग्रीन कलर से तो काफ़ी सारा कलर हो गया रेड इससे लिखता हूँ देखो ये वाला एक टर्म था इसके कारण कॉस टू मेगा नॉट वाला टर्म आया और एक ये वाला टर्म था इसके कारण कॉस टू ओ मेगा नॉट ट्वेल्व टर्म आया तो इनमें दोनों के कारण कॉस टू ओ मेगा नॉट ट्वेल्व टर्म आ रहा है वो बैंड पास फिल्टर पास करेगा कॉस थ्री ओमेगा नॉट ट्वेल्व टर्म इसके कारण आया इसको भी बैंड पास फिल्टर पास करेगा कॉस फोर ओमेगा नॉट ट्वेल्व टर्म इसके कारण आया एक कॉस फोर ओमेगा नॉट टू इसके कारण आया तो उसको भी बैंड पास फिल्टर पास करेगा और एक कॉस फोर ओमेगा नॉट वाला टर्म इसके कारण आया ठीक है तो इसको भी बैंड पास फिल्टर पास करेगा सो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा ये सो so इसमें बहुत सारे टर्म्स थे इतने सारे टर्म्स थे इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट आप खुद से अपने हाथ से करके देखना मल्टीप्लाई करना बस थोड़ा सा टर्म्स ज़्यादा हैं बट है कुछ नहीं है बहुत ईजी ठीक है तो ये आप एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखना